हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरव सर्स क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि आईआईटी जैम 2019 में ऑलरेडी आ चुका है। और हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस। ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2019 में आ चुका है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये इंटीग्रेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो मैं चाहूँगा कि आप सब अपने अपने इंटीग्रेशन के नोट्स को खोल के बैठ जाएं ताकि ये क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। तो पहले मैं बता दूँ कि आप हमारे वेबसाइट www.sauravsarclasses में जा सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस वेबसाइट में आप उस क्वेरी को अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या तो आप हमें किसी भी समय किसी भी घंटों पे आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9836793076। हमारा नंबर है 9836793076। ये हमारा नंबर है, आप इसे हमें कभी भी कॉल करें या व्हाट्सएप करें, जो भी आपकी इच्छा। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, और क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के इज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ आई एफ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आई एफ, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई वन प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वन माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। सो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया, और कहा गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला वैल्यू है, यानी कि हमें यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करना है और हमें यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई एक फॉर्म यूज़ करना है। अब बाद में मैं डिस्कस करूँगा कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस से होगा, क्या ये एग्जैक्ट से होगा, नॉन एग्जैक्ट होगा, या कोई दूसरे प्रोसेसेस होंगे इसमें, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉन एग्जैक्ट से होगा या ये कोई और प्रोसेस से होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि आगे वाला चीज़ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है कि देन द ऑर्डर्ड पेयर एच के इज़ इक्वल टू व्हाट, सो वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर एच के। ये चीज़ हमें निकालना है, ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आप इक्वेशन को देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मुहैया कराया गया है इस क्वेश्चन में, वो है वाई वन प्लस एक्स वाई ऑफ डी एक्स प्लस एक्स वन माइनस एक्स वाई ऑफ डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो हमें ये वाला इक्वेशन दिया गया है। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि ये एग्जैक्ट से होना चाहिए, नॉन एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी कि इन दो में से किसी एक में होना चाहिए। और हम जानते हैं कि वो हमारा फॉर्म क्या है, वो हमारा एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का फॉर्म होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि उसी कॉन्सेप्ट से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो लेट एफ वन ऑफ एक्स, ये कैसे होगा ये समझिए कि हम इसको अगर इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले हम f1 x कर रहे हैं, तो इसको करते हैं dx वाले पार्ट को करेंगे, तो ये हम अगर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा आएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, ताकि ये हमारा जो f1 x आएगा वो 1 प्लस एक्स वाई होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ, तो इसे ध्यान में रखिए दोस्तों, ये हमारा पहला पार्ट हुआ एफ वन एक्स, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब चलते हैं एफ टू एक्स में। तो एफ टू एक्स में हम चलते हैं, इसको क्या करेंगे, हम पार्शियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इस वाले को एक्स वन माइनस एक्स वाई डी वाई को। तो इसे सॉल्व करने पे हमारा एफ टू एक्स कितना आएगा, हमें अब एफ टू एक्स आएगा वन माइनस एक्स वाई। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे भी हाईलाइट ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो हमने एक दफ़ा ये निकाला और एक दफ़ा ये निकाला, सो हमें एफ वन एक्स और एफ टू एक्स तो मिल चुका है। अब आगे क्या करना है, आगे हमें चूँकि हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर तक की जितनी भी सीढ़ियाँ हैं उन सीढ़ियों तक हमें चलना है, ताकि हम ऑर्डर्ड पेयर तक पहुँच सकें। तो एक एक करके हर सीढ़ी हम चढ़ेंगे। तो हम
अब लिख सकते हैं कि y ऑफ f1 x इंटू डी एक्स प्लस एक्स ऑफ एफ टू एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है, मैंने इनिशियली बता दिया आप लोगों को कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो है वो हमारा इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो ये चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे। अभी आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा दिया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो क्वेश्चन पे देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही दिया गया था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ हमें दिया है x टू द पावर h y टू द पावर k। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने इस सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मुहैया कराया गया है। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है और हम इसमें इस फॉर्म को लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू वन बाई एम एक्स माइनस एन वाई। आई होप आप सभी को ये वाला वैल्यू पता होगा, ये फॉर्म पता होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, कि हम इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, एम का वैल्यू हमने निकाला है, m का वैल्यू भी निकाला है हमने, x का वैल्यू भी निकाला है हमने। इस इक्वेशन को देख के हमें m और x का वैल्यू तो नज़र आ ही गया था, तो हम m का वैल्यू लिखेंगे और उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे और n का वैल्यू लिखेंगे और उसे y से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम एक अपने सीढ़ियों तक पहुंच सके। तो मैं m का वैल्यू लिखता हूं और उसको x से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि इस चीज़ को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं इसे रफ में दिखाता हूं, अगर मैं x को इस पूरे चीज़ से मल्टीप्लाई करूं तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसे इसी पोजीशन पे सॉल्व कर देते हैं, पर आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, इसे आपको आगे ले जाना है और आगे जाके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इसे सिंपली लिख देता हूँ कि एक्स वाई वन प्लस एक्स वाई, ठीक है दोस्तों, माइनस, यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिखा। एन को हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, इसे भी वाई से करना है तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। अब ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमने पुट कर दिया ये वैल्यू एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई। तो अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, जो हमें इनिशियली दिया गया था एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे आई एफ हमें दिया गया था, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाले स्टेप को अंजाम देते हैं। तो वन अपन इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई इंटू वन एक्स वाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई इंटू एक्स वाई हो रहा है ना दोस्तों, माइनस एक्स वाई इंटू वन एक्स वाई होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस एक्स वाई है, एक माइनस एक्स वाई है, तो ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा और क्या बचा रह गया, बचा रह गया है टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन हमारा बचा रह गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब आप में से कुछ होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि जी हाँ, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर आपको याद हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन के शुरुआत में ही दे दिया गया था, एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, और हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक और पार्ट निकाला है। यहाँ पे हमने पार्ट क्या निकाला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, हमने इंटीग्रेटिंग का एक पार्ट निकाला है ये, यानी कि ये पार्ट जो है और वो जो ऊपर एक्स टू द पावर एच और वाई टू द पावर के दिया हुआ है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और अपना ऑर्डर पेयर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम बहुत क्लोज आ चुके हैं, अब इसे हम अंजाम देते हैं। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो गिवन था हमारा क्वेश्चन में, वो पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन था हमारा x टू द पावर एच वाई टू द पावर के, और हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है आई एफ कैलकुलेटेड, हमने जो निकाला है वो आया है वन बाई टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देंगे, और दोस्तों अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे,
तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने के कगार पे है। तो चलिए इसे इक्वेट करते हैं, x टू द पावर h y टू द पावर k इक्वल टू 1/2x² y² ये हमारा वैल्यू था। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी बता सकता है, x टू द पावर -2 y टू द पावर -2। अब चलिए इसे कंपेयर करिए तो क्या होगा, इसका वैल्यू होगा x -2 पे हो रहा है, y का वैल्यू -2 पे हो रहा है, यानी कि h और k जो ऑर्डर्ड पेयर है वो -2 पे है, यानी कि हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ h और k मिल चुका है। क्या मिला है, -2 और -2। सो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है h k का, -2 -2। अब देखते हैं कि ऑप्शन में ये है या नहीं, तो ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन ही आपको नज़र आएगा -2 -2, यानी कि ये हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो ये हमारा IIT JAM 2019 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप मुझे आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा जो भी मैंने आज बताया है। तो आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें, और कोई डाउट्स या क्वेरी हो तो इस नंबर पे कॉल करें, या ये वेबसाइट को आप विज़िट कर सकते हैं www.sourabhsirclasses.com, या फिर 9836793076 पे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।